कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि हाउ टू गेन गुड वेट फास्ट, यानी आप लोग अपने शरीर में अच्छा वेट कैसे पुट ऑन करें। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमें अपने शरीर में चर्बी नहीं इकट्ठा करना है, हमें चाहिए कि भाई हमारी बॉडी में अच्छा खासा वेट गेन हो, हम लोग हेल्दी दिखे, हम लोग स्ट्रांग दिखे, हम लोगों को थुलथुली वाली शरीर नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा रहेगा, इस वीडियो में इसी बारे में मैं सारी जानकारी देने आ रहा हूं। तो यहां पर मैंने 3 पॉइंट्स रख करके बात करें हैं जिससे वीडियो थोड़ी सरल हो जाएगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसे मतलब के लिए एक सिंपल बात की तो वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को पॉइंट्स में करके समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, जैसी आप लोगों की डिमांड है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भैया हम लोग वेट तो गेन कर रहे हैं पर हमारी बॉडी टाइट नहीं हो रही, बॉडी ना थुलथुली सी रहती है, शैगी सी रहती है, लटकती रहती है खाल कहीं भी अगर वेट गेन होता है, तो हमें चाहिए टाइट बॉडी। तो भैया टाइट बॉडी के लिए आपको वेट गेन पर नहीं, आपको फोकस करना होगा मसल गेन पर। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आपने अपनी बॉडी में मसल गेन करा तो वहाँ पर आपकी बॉडी में टाइटनेस रहेगी। अगर आपने अपने शरीर में केवल वेट गेन करा, वेट में आपका मसल और फैट दोनों आएगा। अगर बॉडी में फैट गेन हुआ तो वहाँ पर आपकी बॉडी शैगी रहेगी, बॉडी झूलेगी, बॉडी लूज रहेगी। अब यहाँ पर मसल गेन कैसे करें इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मसल गेन करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको पता है आपको क्या करना होगा। आपको करना होगा अच्छे तरीके से एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, घर पर भी आप पुशअप लगा सकते हैं, स्क्वाट्स लगा सकते हैं, सपाटे लगा सकते हैं। और अगर बात करें फीमेल की, फीमेल को भी अगर टोन्ड बॉडी चाहिए तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, डेली कम से कम थोड़ी बहुत वॉकिंग, थोड़ी रनिंग और थोड़ी बहुत स्क्वाट्स ला करके वो लोग काम चला सकते हैं। तो उनकी बॉडी में अच्छा खासा वेट पुट ऑन होगा, बॉडी कभी भी थुलथुली नहीं होगी। और साथ में एक चीज और, यहाँ पे आपको थोड़ा डाइट पर भी काम करना होगा। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर यही आता है पिछले पॉइंट से जुड़ा हुआ कि भैया यहाँ पर अगर आपको अपनी बॉडी को बॉडी में टाइटनेस चाहिए, टाइट बॉडी चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपनी डाइट पर वर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने अपनी डाइट पर वर्क नहीं करा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर किसी भी इमारत की जो जो बेस होता है यानी उसकी नींव होती है उसके मटेरियल पर निर्भर करती है। अगर आपके जो भी नींव अपनी बना रहे हैं या चाहे जो भी अपना बेस बना रहे हैं उसका अगर मटेरियल ठीक नहीं होगा तो इमारत बहुत जल्दी ढह जाएगी। इसी तरह से अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो यहाँ पर आपकी बॉडी बहुत जल्दी गिर जाएगी और वो जो बॉडी है वो बेकार रहेगी। आपको खोखली शरीर नहीं बनाना, आपको ठोस शरीर बनाना, ठोस यानी मजबूत। जैसे भी बात हुई कि बॉडी में हार्डनेस चाहिए, टाइटनेस चाहिए, और फिर से मैं आपको बताऊं मांसपेशियों को बढ़ने में, हेल्दी वेट गेन होने में समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे मांसपेशियों को तोड़ते हैं हम लोग, फिर उनको रिपेयर करते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर रिपेयर करते हैं, तो उनको वापस रिबिल्ड होने में समय लगता है और उनको मांसपेशियों का साइज बढ़ने में समय लगता है। जैसे आप छोटे से बड़े हुए, आपको बड़े होने में कितना टाइम लगा, जितने साल के अभी आपने उतने साल लगे ना, सेम वही कंडीशन बॉडी के साथ है, बस बॉडी को इतना टाइम नहीं लगता। बॉडी पूरी कंप्लीट बॉडी बनने में, एक बॉडी बिल्डर वाली बॉडी बनने में लगते हैं 5-10 साल 15 साल लगते हैं एक अच्छी बॉडी बनने में। लेकिन आपको थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए, थोड़ी बहुत आपको शरीर बड़ी करनी है, छोटी करनी है, तो वहाँ पर आपको 5-6 महीना 8 महीना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। मैं लॉजिक वाली बात कह रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सोचिए, बहुत छोटी बात नहीं पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई इसने तो ऐसे ही बॉडी बना ली होगी, भैया बॉडी ऐसे नहीं बनी, जितना टाइम आपको छोटे से बड़े होने में लगा ना उसी तरीके से उसको बॉडी बनाने में लगा। अगर किसी पर्सन ने आज से शुरू करा, उसने कहा कि मेरे को एक परफेक्ट बॉडी चाहिए, तो 5-6 साल 7 साल बाद जाकर के अच्छी बॉडी बन सकती है नेचुरली, कई बार सप्लीमेंट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, आपको काम करना है अपनी डाइट पे, डाइट में आपको बढ़ाना होगा प्रोटीन। प्रोटीन बढ़ाएंगे, प्रोटीन में क्या क्या खा सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, मैं फिर से आपको बताऊंगा। एग खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, काफ़ी सारे लोग सी फूड का भी सपोर्ट करते हैं, मैं ये सब इतना नहीं करता, हाँ कभी कभार एग वगैरह मैं भी कभी खा लेता हूँ। पर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर जो नॉन वेजिटेरियन उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। वेजिटेरियन लोगों के लिए ऑप्शन है सिंपल सा वे प्रोटीन, और वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन से बढ़िया और सस्ता जुगाड़ और कुछ भी आप नहीं कह सकते जो कि इस टाइम में है प्रोटीन के लिए। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं आपका टोफू, फिर आ जाता है आपका सोयाबीन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपका जो बेस है यानी आपकी जो नींव है मजबूत होगी तो यहाँ पे आपकी बॉडी कभी भी नहीं गिरेगी, अगर आपने इस हिसाब से अगर आपकी शरीर तैयार करी तो। दोस्तों तीसरा और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं ये सोच करके भाई इसका तो कोई महत्व है ही नहीं। 7ों दिन जिम करते हैं, सुबह शाम जिम करते हैं, बॉडी को रेस्ट बिल्कुल नहीं देते, तो भैया यहाँ जो रेस्ट नाम का शब्द है ना, ये 4 अक्षर का जो शब्द है, ये भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपकी बॉडी ग्रो होती है। आप जिम में जाते हैं या चाहे होम वर्कआउट आप करते हैं, वहाँ पे आप अपने मसल में माइक्रो टियर्स करते हैं यानी छोटी मोटी चोट पहुँचाते हैं आप अपने मसल्स को, और उसके जो घाव हैं वो आप भरते हैं अपनी डाइट से। और डाइट आपकी कब लगती है, जब आप सोते हैं। अब आप जब सोएंगे तभी आपकी बॉडी में रिकवरी होगी। कहते हैं ना कि भैया मैंने खा लिया, सुबह खा लिया, मेरे शरीर में खाना लग गया होगा, भैया लगता तो है, और रात के टाइम जब आप सोते हैं तभी रिकवरी होती है। इसीलिए आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, वो केवल खाते हैं और सोते हैं।
क्योंकि उनको अपनी बॉडी को ग्रो अप करना होता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बाकी हम लोगों की जो लाइफ में बहुत सारे काम रहते हैं तो हमको उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा, पर मिनिमम हम लोगों को 7 से 8 घंटे की स्लीप रिक्वायर्ड है अगर हम लोगों को अच्छी बॉडी तैयार करनी है या हम लोगों को फिट रहना है तो भी। अब देखिए बहुत सारे लोगों की शिफ्ट होगी, काम होगा, उसके हिसाब से उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, पर यहाँ पे आपको 8 घंटा किसी भी हाल में सोना होगा, तभी आपकी बॉडी में रिकवरी होगी, तभी आपकी बॉडी अच्छी तरह से तैयार होगी, वरना आपकी बॉडी पे बड़ा ही अनयूजुअल बहुत ही अजीब सा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे जो भी आप खाते पीते हो वो लगता नहीं है कि वाला आपका पेट बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इन 3 चीजों को अप्लाई करके आप अपनी बॉडी में बहुत ही आराम से वेट गेन कर पाएंगे, वो भी हेल्दी वेट गेन, एकदम बॉडी आपकी टाइट हो जाएगी, टोनअप हो जाएगी अगर आपने इन 3 चीजों को अप्लाई करें, ठीक है। तो इन 3 चीजों को अप्लाई करें, आप अपनी बॉडी में बहुत जल्दी चेंजेस देखेंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।